तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ वो हमारा जो अगला कंपोनेंट है, जो ट्रांजिस्टर, जो जिसको हम लोग जितने मोबाइल फोन में लगा होता है ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों जो हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में, किसके बारे में सीखने वाले हैं, ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है और उसको मोबाइल फोन के पीसीबी में कैसे पहचाना जाता है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग का टेक्निकली कोर्स सिखाया जाता है। और यहाँ पर जो हम लोग कोर्स सिखाते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, ये मात्र 45 दिन का ट्रेनिंग होता है। 45 डेज के अंदर हम आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से ट्रेनिंग मिलता है। ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको सिखाया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर के ऊपर है, तो हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में सीखेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा मोबाइल फोन में कैसे काम करता है, मोबाइल फोन में कैसा दिखाई देता है, उसको पहचानने का तरीका क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात क्या है, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ट्रांजिस्टर कैसा होता है, उसके बारे में पूरा डिफिनीशन है, उसका डिटेल है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है, फिर हम लोग आगे प्रैक्टिकल करते हैं, उसको चेक करना सीखते हैं। ट्रांजिस्टर जितना भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में ट्रांजिस्टर लगा होता है। ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन नहीं बना जिस मोबाइल फ़ोन में ट्रांजिस्टर ना हो। अगर ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा तो हमारा मोबाइल फ़ोन काम करना बंद कर देगा, या हमारा मोबाइल फ़ोन डेड भी हो जाएगा, या हमारे मोबाइल फ़ोन का किसी भी सप्लाई सर्किट काम करना बंद कर देगा। तो हम लोग ट्रांजिस्टर का पहले पूरा डिटेल समझते हैं, उसका डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम लोग उसके आगे बात करेंगे। ट्रांजिस्टर जो रहता है या एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को लो हाई करता है, या एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को लो हाई करता है। क्या काम करता है, सप्लाई को लो करता है, हाई करता है, मतलब कम ज्यादा दोनों करता है, कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। हम लोग बात करेंगे इसका रियल शेप का कि बोर्ड में दिखता कैसा है। रियल शेप को हिंदी में बोलते हैं बनावट, आकार, आकृति, डिजाइन, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें तीन पिनें होती हैं और बीच का जो इसका बॉडी होता है ये पूरा ब्लैक कलर का होता है। जो आपका बॉडी पाया जाता है ये बॉडी कैसा होता है, पूरा फुल ब्लैक, और इसकी जो साइड के जो पिनें होती हैं ये आपके सिल्वर होती हैं। साइड में जो पिनें होती हैं वो हमारी सिल्वर होती हैं, ब्लैक कलर का होता है, तीन पिन होती हैं। इसका डिनोटिंग लेटर टी या क्यू होता है। सिंबल सिंबल की बात करेंगे तो इस तरीके से सिंबल होता है। इसमें सिंबल में से जो ये वाली पिन होती है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको कलेक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर। ये तीनों पिन होती हैं। बी का मतलब होता है बेस, सी का मतलब होता है कलेक्टर, ई का मतलब होता है एमीटर। बेस, कलेक्टर और एमीटर,
ये हमारे तीन पिन होती हैं, बेस कलेक्टर इमीटर, जिससे हमको क्या करना होता है, इसको हम पहचान करते हैं, इसको हम लोग पहचानते हैं। रियल शेप तीन पिन का होता है, डिनोटिंग लेटर टी या क्यू होता है, सिंबल बी सी ई होता है, बेस कलेक्टर इमीटर। अब बात करते हैं वर्क, इसका काम क्या होता है। ये ट्रांजिस्टर हमारे मोबाइल फोन में बहुत सारे काम करता है, और मोबाइल फोन के अलावा और भी बहुत सारे काम करता है, जो मैं उसी भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहला काम करता है, ये डीसी को एसी में बदलता है। ये क्या काम करता है, जो हमारा जो डीसी करंट होता है, इस डीसी करंट को क्या करता है, एसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो डीसी को क्या करता है, एसी में बदलता है। दूसरा काम होता है, एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है आवाज को घटाना बढ़ाना। उसके बाद ये स्विचिंग के लिए यूज होता है। स्विचिंग का मतलब होता है किसी चीज को चालू करना, किसी चीज को बंद करना, ऑन ऑफ करना। दूसरी बात होता है मॉड्यूलेशन। फिर होता है डी मॉड्यूलेशन। फिर एक होता है मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है डी मॉड्यूलेशन। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है, ये पांच तरीके के काम करता है। अगर आप देखेंगे, पहला काम करता है डीसी को एसी में करना, दूसरा होता है एम्पलीफिकेशन करना, आवाज को घटाना बढ़ाना, स्विचिंग करना मतलब किसी चीज को चालू करना बंद करना, स्विच की तरह काम करता है, मॉड्यूलेशन जो सिग्नल को बढ़ाता है, डी मॉड्यूलेशन मतलब सिग्नल को घटाता है। तो ये हमारे इस तरीके से जो ट्रांजिस्टर होता है, ये हमारा काम करता है। हम लोग बात करेंगे इसका मल्टीमीटर के माध्यम से, हम लोग इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, चेकिंग कैसे करते हैं। टेस्टिंग, इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर वैल्यू दे तो ओके है, फॉल्टी। अगर बीप दे तो खराब है। अगर वैल्यू देता है तो सही है, वैल्यू नहीं देता तो खराब है, या बीप देता है तो भी हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हो जाता है। ट्रांजिस्टर जो होता है, जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन जो ट्रांजिस्टर जो पाए जाते हैं, वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो पहला होता है एन पी एन, दूसरा ट्रांजिस्टर होता है पी एन पी। इसका मतलब ये माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। तो एक ट्रांजिस्टर होता है जिसमें नेगेटिव सप्लाई को बढ़ाता है, पॉजिटिव को कम करता है। दूसरा ट्रांजिस्टर जो होता है, जो नेगेटिव सप्लाई को कम करता है, पॉजिटिव को बढ़ाता है। तो जो ट्रांजिस्टर पॉजिटिव सप्लाई को बढ़ाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पीएनपी, जो ट्रांजिस्टर माइनस सप्लाई को बढ़ाते हैं तो उसे बोलते हैं एनपीएन। माइनस सप्लाई को बढ़ाने का मतलब होता है घटाना, और प्लस सप्लाई को बढ़ाने का मतलब होता है बढ़ाना। तो एक हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है घटाने का काम करता है, एक ट्रांजिस्टर जो होता है सप्लाई को बढ़ाने का काम करता है। जहाँ पर दोनों मिलकर काम करते हैं तो वहाँ पर होता है स्विचिंग, मतलब कम ज़्यादा करना। तो इस कम ज़्यादा करने से हमारे एसी पल्स क्रिएट होती हैं। एसी पल्स क्रिएट होने से वो हमारा जो डीसी करंट होता है वो एसी करंट के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, लो हाई करने से। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर लगा होता है, ट्रांजिस्टर यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को लो हाई करता है। ये ब्लैक कलर के बॉडी में पाया जाता है, तीन पिन होती है, डिनोटिंग लेटर टी या क्यू होता है। इसका जो सिंबल होता है ये इस तरीके का सिंबल होता है, बेस कलेक्टर इमीटर, बी का नाम होता है बेस कलेक्टर और इमीटर, जिसमें एरो का निशान बना होता है वो हमेशा इमीटर होता है, उससे सामने वाला कलेक्टर, फिर बेस होता है।
वर्क इसका काम होता है डीसी को एसी में करना, एम्पलीफिकेशन करना, स्विचिंग करना, मॉड्यूलेशन करना, डीमॉड्यूलेशन करना, टेस्टिंग। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर चेक करते हैं, अगर चेक करने पर वैल्यू दे तो सही है और बीप देगा तो हमारा खराब है, तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। चलिए हम लोग अपने बोर्ड में देखते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको गूगल से दिखाता हूँ कि कैसा हमारा ट्रांजिस्टर दिखता है, ट्रांजिस्टर दिखने में कैसा होता है। ये अगर देखिए, ये हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं इस तरीके से ट्रांजिस्टर दिखते हैं, तीन लेग के होते हैं। ये देखिए, अगर आप प्लेट में बात करेंगे ये ट्रांजिस्टर आपका दिखता है। प्लेट में इस तरीके से दिखता है, तीन पिन होती हैं, तीनों पिनों को हम लोग ऐसे देख सकते हैं। तो जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में हमारा ट्रांजिस्टर लगा होता है। ये देखिए, तीन पिन का जो लगा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। और जो हमारे टीवी रेडियो में लगे होते हैं वो इस तरीके का लगा होता है, देखिए कलेक्टर, बेस, एमिटर, इस तरीके से पिनों को डिफिनेशन दिया हुआ है, इस तरीके से लेग वाले होते हैं। ये देखिए, ये आपके ट्रांजिस्टर होते हैं। अगर ट्रांजिस्टर आपके मोबाइल फ़ोन में ख़राब हो जाएंगे तो जिस सर्किट में लगा होगा ख़राब हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी। अब हम लोग चलो चलते हैं, मैं रियलिटी बोर्ड में दिखाता हूँ कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन के अंदर का जो बोर्ड है, ये जो पीसीबी है, इस पीसीबी में कैसे पहचानेंगे कि ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अपने बोर्ड में देखेंगे। अगर आप बोर्ड में देखेंगे, ये जैसे तीन पिन का है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। तो ये अगर आप देखेंगे, ये हमारे जो तीन पिन का लगा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टर। मैं थोड़ा सा मार करके बताता हूँ। ये देखिए, ये आपका ट्रांजिस्टर है। जब आप इसको चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करेंगे, उसके बाद रेड पिन को यहाँ पर रखेंगे और एक पिन को यहाँ चेक करेंगे, एक पिन को यहाँ पर चेक करेंगे। अगर ये चेक करने पर ऐसे वैल्यू देता है तो ये आपका सही है, इसको चेक करेंगे ऐसे वैल्यू देता है तो सही है, अगर वैल्यू नहीं देता है तो आपका क्या है, ख़राब है। अगर ये बीप देने लगता है तो ये शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाएगा तो आप इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसे बदलेंगे, इसे दूसरा लगाएंगे, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब मैं दोस्तों, मैं आपको मदरबोर्ड में मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ कि कैसे ट्रांजिस्टर को चेक किया जाएगा, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। हम लोग बीप पॉइंट पर सेट करेंगे। बीप पॉइंट पर सेट करने के बाद जब हम देखेंगे कि आपके बोर्ड में ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर को हम लोग चेक करेंगे। इसकी क्या करेंगे, एक पिन को यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद सामने इसकी दोनों लेग को चेक करेंगे, जैसे इसको चेक करेंगे, फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे। यहाँ पर जब चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर हमारा मल्टीमीटर रीडिंग बताएगा। ऐसे इसको हम लोग क्या करेंगे, सिक्स वे टेस्टिंग करी जाती है, चारों तरफ से घुमा घुमा करके हम लोग चेक करते हैं। ऐसे देखेंगे, ये मल्टीमीटर हमारा रीडिंग बता रहा है। ऐसे जब आप चेक करेंगे, इधर भी दिखाइए, अगर ये चेक करने पर हमारा मल्टीमीटर रीडिंग बताता है तो हमारा ट्रांजिस्टर सही है, अगर रीडिंग नहीं बताता तो हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको बार बार करके ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। एक देखेंगे तीन पिन का ये लगा हुआ है, एक देखेंगे और देखेंगे पास में ये लगा हुआ है, और देखेंगे एक पास में ये लगा हुआ है, ये तीनों जो लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर हैं। इसको हमने आपको चेक करके बताया कि कैसे हम लोग मल्टीमीटर के माध्यम से क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा होता है, इस ट्रांजिस्टर को हम लोग
कैसे पहचानते हैं, उसको पहचानने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो आपको दिया हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर ये जितने भी तीनों कंपोनेंट्स लगे हैं, ये तीनों हमारे ट्रांजिस्टर हैं, एक दो और तीन। ये तीनों जो कंपोनेंट लगे हैं, तीनों ट्रांजिस्टर हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया कि ट्रांजिस्टर को मदरबोर्ड में हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे चेक करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज ट्रांजिस्टर के बारे में आज का आपको वीडियो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए दे रहा हूँ जो आज अपनी दुकान पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उन कंपोनेंट के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। बिल्कुल ये सोचते हैं कि छोटे छोटे क्या लगे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह लाल पीले हरे नीले, कभी किसी को निकाल देते हैं, कभी हीट मार देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो अगर वो लोग इन सब वीडियो को जब देखेंगे तो पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगे और एक एक करके उनको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो वीडियो के माध्यम से जो सर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये मैं सिखा रहा हूँ, ये इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप सब चीज़ों को सीख सकें, और दूसरी बात क्या है, आप अपने अंदर ये एक्सपीरियंस ले सकें कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखना कितना आसान है, कितना आसान तरीके से इस कोर्स को सीखा जा सकता है, कितना आसान तरीके से सीखा जा सकता है। इस कोर्स को सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत कम समय के अंदर कोर्स को सीख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से रहने की सारी सुविधा आपको मिल जाती है और फुल डे ट्रेनिंग चलता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। और हम लोग जो सीख रहे हैं एक एक करके, जितने सारे कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम आपको सिखा रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पास एक स्टूडेंट्स आए थे, हेमंत, जो पुखराया के रहने वाले, यहाँ से कम देखा जाए तो 50 से 60 किलोमीटर दूर है। वो पहले मेरे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स सीखने के लिए जानकारी ली, वो आज मेरे पास आए, उन्होंने अपना ज्वाइनिंग के लिए फॉर्म भी फिल कराया। फिर उन्होंने बोला कि सर मैं तो कोर्स करना चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी मर्जी से ही करना चाहता हूँ, मेरे फादर जो हैं वो नहीं इस लाइन में एग्री होना चाहते। तो हमने कहा कि ठीक है, आपका अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरी पापा से बात कराइएगा। कह रहे सर आप बिल्कुल मेरे पापा से बात कर लीजिए, उनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो पहले मेरी उनकी बात मम्मी से हुई, मैंने उनको बताया, कोर्स के बारे में समझाया। उनके पापा से बात हुई तो उन्होंने, पापा ने बोला कि सर मैं एल्यूमिनियम का काम करता हूँ थोड़ा सा, और मैं अपने गांव से रहने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि कहाँ ये मोबाइल फ़ोन का कोई काम है, ऐसा भी कोई काम सीखा जा सकता है क्या। तो मुझे सर इस चीज़ में विश्वास ही नहीं हो रहा था। देखो पहली बात तो क्या है, मैं तो जानता हूँ कि मोबाइल फ़ोन का काम बहुत बढ़िया है, हमारा बच्चा सीख लेगा तो हमारे भविष्य इसका बन जाएगा, लेकिन इस काम को सीखा कैसे जाएगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसका भी कोई कोर्स रहता है क्या, इसका भी कोई पढ़ाई होती है क्या। तो उन्होंने जब मेरी बात हुई तो उनको बताया कि सर इसका 3 महीने का कोर्स होता है और इसको अगर उस समय देंगे तो आसानी से सीख सकते हैं, पूरा कंप्लीट बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी उनको, उसके बारे में सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो उन्होंने एक बात बोली कि सर प्रैक्टिकल भी आप कराओगे ना, तो हमने कहा बिल्कुल हम आपको पूरा प्रैक्टिकल तरीके से ही ट्रेनिंग देंगे। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है सर मैं एक दो दिन में, कल परसों में पैसों की व्यवस्था करके आपको भेज देता हूँ, बच्चों को भेज देता हूँ, आप उसको अच्छे से सिखाएं। और आपसे बात करके मुझे बड़ा इतना खुशी हुआ कि मुझे लगा कि हमारा बच्चा ऐसे ही हमारे पीछे जिद कर रहा है कि मुझे मोबाइल फ़ोन का काम सीखना है, मोबाइल फ़ोन का काम सीखना है। उसको बहुत दिन से मैं मना करे पड़ा था कि लाइट बिजली बत्ती का काम है, कहाँ टांका लगाएगा, कहीं पकड़ लेगा, करंट में चिपक जाएगा, कहीं कुछ, ऐसा दिमाग में बड़ी सारी धारणाएँ थी। तो जब मैंने उनको समझाया तो उन्होंने खुद बोला कि चलिए ठीक है सर, मुझे आपने जो मुझे समझाया है मुझे एक एक करके सारा क्लियर हो गया है, और जो मैं सोचता था कि हमारे बच्चा भी जो सोच रहा है, मैं भी सोचता था कि चलो कोई ना कुछ काम सीख जाएगा, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं पढ़ लिख जाते हैं लेकिन अगर उनके कुछ हुनर नहीं होता, कुछ काम नहीं होता, तो वो नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, उनको कुछ काम ही नहीं मिल पाता। हम तो एल्यूमिनियम का काम है, बर्तन बनाने का काम करते हैं, ये सारा काम हम तभी कर पाते हैं जो हमारे हाथ में हुनर है, हम पढ़े लिखे भी कम हैं, गांव के रहने वाले हैं। लेकिन वही मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा बच्चा पढ़ भी जाएगा तो अच्छा काम करेगा, लेकिन पढ़ने के साथ साथ क्या है, हुनर भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हुनर नहीं होगा तो हमारे बच्चे को कोई सरकारी नौकरी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो बेरोजगार है। तो इससे अच्छा कुछ काम सीख जाएगा तो अपना काम डाल लेगा, नहीं तो किसी के यहाँ काम करेगा तो भी भाई काम करके देना ही पड़ेगा, तभी पैसा मिलेगा। तो ऐसा उन्होंने जब मेरी बात करी तो हमको भी बड़ा अच्छा लगा, और इस बात के लिए मैं कहना चाहूँगा, उनके लिए भी बड़ा बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चों को गाइड किया, और उनका बच्चा भी समझदार है कि उसने खुद बोला कि पापा मुझे बहुत चीज़ ऐसे मैं कोर्स करूँगा, उससे नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी लेकिन ये काम सीख लूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा।
तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको ट्रांजिस्टर कंपोनेंट के बारे में बताया है और कैसे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में कोर्स को सीखा जाएगा, अगर आप और भी अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं या क्लास करते हुए बच्चों को देखना चाहते हैं, ऐसी कोई अगर देखना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर नंबर है 6391711711, 6391211211। इसमें आप किसी भी नंबर पर बात करेंगे, आपके अमित सर से बात होगी, वो आपको पूरा कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, पूरा जानकारी देंगे, वीडियो कॉल करेंगे, मैसेज भी आपको देंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से देखेंगे कि कैसे बच्चे क्लास कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप भी उन क्लास करते हुए देख सकते हैं। और मेरे पास आज उड़ीसा के एक थे जो दुर्गा प्रसाद करके उनका नाम था, ऐसे ही कुछ नाम था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कोर्स के बारे में समझा। उन्होंने ये भी बोला कि सर आज तो यहाँ मेरे यहाँ लाइट नहीं है, कल मैं आपको फ़ोन करूँगा और दिन में देखूँगा कैसे क्लास होती है, फिर मुझे सीखने आना है और मैं 20 तारीख से आऊँगा, मैं 20 तारीख वाला बैच लूँगा और जो भी मैं फ़ीस है वो मैं कुछ फ़ीस आपको डाल देता हूँ ताकि आप मेरा रहने वहने का सारी सुविधा मैनेज कर दीजिएगा और बाकी फिर हम 20 तारीख से क्लास के लिए आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, ज्वाइन करते हैं, और आप लोग भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप भी कोर्स को सीख सकते हैं, वीडियो को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और इन सब चीज़ों के बारे में आप देखते रहें, एक एक करके आपको लेटेस्ट वीडियो हम आपको देते रहते हैं, उनके बारे में समझते रहें, और अगर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही।